Good morning, students. So today our topic is sentence. Sentence kya hai? A sentence is a group of words which makes sense and complete meaning. Sentence kya hota hai? Ek group of words hota hai jo ki hame complete meaning deta ho. Ek aisa shabdon ka group jisse hame complete meaning milta ho. Example: Blue the sky is. इससे हमें कोई भी सेंस नहीं मिलता तो ये गलत है. इससे हमें कोई सेंस नहीं मिलता. द स्काई इज़ ब्लू. आसमान नीला है. ये हमें एकदम करेक्ट मीनिंग दे रहा है तो इससे हमें सेंस मिल रहा है और कंप्लीट मीनिंग भी मिल रहा है. तो हमें जिस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग और सेंस मिलता हो वही सेंटेंस होता है. ए सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और एंड हमेशा एक फुल स्टॉप से होता है. ए सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन. एक सेंटेंस के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट होता है और एक होती है वर्ब. सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, वह चीज जो काम को करती है. और वर्ब क्या होता है? जो कार्य किया जा रहा है. एग्जाम्पल: द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. सन कौन है? सब्जेक्ट है क्योंकि वही ईस्ट से उगने का काम कर रहा है. और वर्ब क्या हो गया? राइजेज. राइजेज मीन्स उगना. नाउ नेक्स्ट पार्ट. ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन और थिंग डूइंग समथिंग. मींस कोई पर्सन, कोई व्यक्ति या कोई थिंग या कोई चीज जो कोई काम कर रही हो. प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज दैट व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग. यह वह होता है कि जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, बचा हुआ हिस्सा, वही होता है प्रेडिकेट. That is verb and other part of sentence. Verb और बचा हुआ हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? Predicate. Example: The children are playing in the ground. तो children हैं वो ground में खेल रहे हैं. तो काम कौन कर रहा है? Children. वो क्या हो गए? Subject. And dashed part, बचा हुआ हिस्सा, are playing in the ground. Playing verb हो गई, खेल रहे हैं, और बचा हुआ हिस्सा in the ground. ये सारा part क्या हो गया? Predicate. I hope you liked the video. Thank you.